हे गाइस, आज मैं बना रही हूँ प्रॉन मसाला। तो इसे आप लोग घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसे धोने में तकलीफ़ होता है, लेकिन आप अगर इसे अच्छे से धो लेंगे तो अच्छे से बना भी लेंगे। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि आज मैं इसे कैसे बनाती हूँ। सो वेलकम बैक टू माई चैनल देसी खाना खजाना बाय सरोजनी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मसाला, मैं यहाँ पे देखिए खड़ा मसाला ले रही हूँ। यहाँ पे दो इलायची, 5 मैं यहाँ पे गोल मिर्च ली थी, थोड़ा सा जीरा मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे छोटा सा दालचीनी मैं यहाँ पे ऐड की। इसके बाद दो चिल्ली, मतलब सूखा, मतलब ड्राई चिल्ली मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे कोरिएंडर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसे हम लोग 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लें, मतलब रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसे एक अच्छा सा फाइन हम लोग पेस्ट बना लेंगे इसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुकी थी, यह अच्छे से मतलब फ्राई हो चुकी है, तो उसे हम लोग फ्राई कर देंगे। और यहाँ पे देखिए मैं प्रॉन को अच्छे से यहाँ पे मैं वॉश कर ली। इसके बाद मैं यहाँ पे हल्दी ऐड कर रही हूँ। हल्दी ऐड करने के बाद इसे हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। मैं यहाँ पे हल्दी के अलावा और कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो थोड़ा सा मिर्च पाउडर भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बस हल्दी पाउडर ही ऐड कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे ऐड करने के बाद अभी हम लोग एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में जैसे तेल गर्म हो चुकी थी, तो अभी मैं यहाँ पर प्रॉन को यहाँ पर मैं फ्राई करूँगी। इसे मैं मैरिनेट करके नहीं रखी थी, मैं तुरंत ही इसमें जैसे ही मैं हल्दी पाउडर ऐड की, इसके बाद मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो इसे हम लोग 5 से 6 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप लोग गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम में रखिएगा और इसे अच्छे से आप लोग फ्राई कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसका गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से 4 से 5 मिनट हो चुकी थी और यहाँ पे प्रॉन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो इसे हम लोग एक प्लेट में हम लोग इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप लोग इसे ज़्यादा देर तक इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसानी से जल्दी ही फ्राई हो जाती है। तो इस तरह से मैंने सारा प्रॉन को देखिए अच्छे से मैं यहाँ पे फ्राई कर ली। अब हम लोग इसका ग्रेवी हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं अदरक लहसुन के साथ जो खड़ा मसाला जो हमने रोस्ट किए थे वो सबको मिला के मैं एक ही साथ ही मैं इसको ग्राइंडिंग पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पर एक पैन ली, पैन में तेल गर्म हो चुकी थी। यहाँ पर मैं जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज का प्याज को मैं ले रही हूँ। यहाँ पे मैं कट करके इसे हम लोग 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर, जब तक कि प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन आ जाए तब तक हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे। ये जैसे ही फ्राई हो जाएगा, इसके बाद मैं यहाँ पे 3 देखिए यहाँ पे मैं हरी मिर्च यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। आप लोग को जिस हिसाब से मिर्ची ज़्यादा तीखा चाहिए या कम चाहिए, आप उस हिसाब से मिर्ची यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं। तो हम लोग इसे फिर से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लें। देखिए यहाँ पे प्याज हम लोग का अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अभी हम लोग जो मसाला हम लोग देखिए जो हम लोग ग्राइंडिंग किए थे उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके, मतलब मसाला का पेस्ट बना के हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे प्याज के साथ हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। अभी चलिए यहाँ पर मैं मसाला ऐड करूँगी। तो मसाला में देखिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला, यहाँ पे हल्का सा गरम मसाला। इसके बाद यहाँ पे देखिए चिल्ली, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ये भी आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं या आपके मर्ज़ी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा जीरा पाउडर मैं लास्ट में मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा पानी यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। मसाला एक्चुअली पानी नहीं ऐड करने से थोड़ा सा जल जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा मसाला आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद मसाला को हम लोग यहाँ पर अच्छे से थोड़ी 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग अच्छे से भून लेंगे। देखिए मसाला यहाँ पे अच्छे से मतलब पक चुकी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो टमाटर, मैं यहाँ पे एक बड़ा साइज़ का टमाटर को मैं यहाँ पे अच्छे से कट कर ली हूँ छोटे छोटे पीस में, ताकि टमाटर जल्दी हम लोग का गल जाए। तो देखिए टमाटर यहाँ पे ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा नमक हम लोग पहले फ्राई किए थे वहाँ पर भी हम लोग ऐड नहीं किए हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग आपके स्वाद के अनुसार टमाटर आप लोग ऐड कीजिएगा। टमाटर जैसे ही गल जाएगा 3 से 4 मिनट टमाटर को अच्छे से आप लोग पका लीजिएगा। टमाटर जैसे ही गल जाएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग फ्राई करके रखे थे प्रॉन को उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे हम लोग मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे। ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसे फ्राई कर चुके हैं।
प्रॉन को, तो इसे बस मसाला में अच्छे से मिला लीजिएगा। मसाला में जैसे ही ये मिल जाएगा, इसके बाद हम लोग यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। पानी आपको जितना ग्रेवी रखना है आप उस हिसाब से पानी, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग को ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी हो जाने से, मतलब ज़्यादा पानी हो जाने से भी अच्छा नहीं लगेगा। हल्का फुल्का ही आप लोग ग्रेवी रखिएगा, तो इसलिए थोड़ा ही पानी आप लोग ऐड कीजिएगा। हम लोग इसे 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में हम लोग इसे पका लेंगे। तो देखिए 7 से 8 मिनट हो चुकी थी। देखिए यहाँ पे प्रॉन मसाला बिल्कुल बनके तैयार है, तो आप इस तरह से घर में एक बार बनाइए और आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए यहाँ पे सर्व करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉन मसाला बिल्कुल बनके तैयार है ना लाजवाब, है ना, बहुत अच्छा ही बनता है, खाने में भी टेस्टी लगता है। और आप चाहे मेहमान को भी आप खिला सकते हैं, या फिर घर में भी ओकेजनली हो या ऐसे ही हो, संडे हो, आप लोग बना सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।